नेक्स्ट स्पीकर है एआरएसएस नेक्स्ट स्पीकर है एआरएसएस के साथी निरंजन अपनी बात रखें और साथी मैक्सिमम जो है आपके पास 5 मिनट है बोलने के लिए। धन्यवाद सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। बेसिकली हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि शिक्षा का मकसद क्या होता है। मतलब हमारे समाज में जो इंसानियत है, इंसान को एक इंसान बनाने के लिए और उसी के आधार पर एक लोकतांत्रिक समाज के प्रक्रिया में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन अभी हमारे जो एनईपी, हमारे देश में जो आरएसएस, बीजेपी जो फैसिस्ट सरकार जो है, एनईपी को लागू करते हुए पूरे इंसानियत और लोकतंत्र पे चोट पहुंचा के हमारे पूरे विद्यार्थियों को, देश के जितने विद्यार्थी हैं सबको उत्पीड़न करने का और शैक्षिक तौर पे शोषण करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है 2020 से। और अभी इसको लागू करते हुए इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि एक नैरेटिव पैदा कर रही है लोग कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और इनको ऑपरेशन से इनको अपलिफ्ट करने के लिए ये लोग काफी कुछ कर चुका है, इससे उनका मुक्ति हो चुका है, इसलिए इनको ज्यादा कुछ फंड देने का जरूरत नहीं है। ये नैरेटिव अभी हमारे समाज में ये लोगों ने पैदा किया है। इस नैरेटिव के बेस पे अभी हम देख सकते हैं कि मांस को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मांस को जब खत्म किया, स्मृति ईरानी ने क्या बोला था? वही बोला था कि यहाँ पे मुसलमानों को बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसलिए इसका जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले इसको मतलब मिनिस्ट्री को डायरेक्ट ट्रांसफर किया, उसके बाद
एक तरह से ये पूरे माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप खत्म करने का जो प्रक्रिया में एक पहला कदम था। उसके साथ जो यूजीसी नाम करके जो यूजीसी नाम करके जो फ्रेमवर्क है इसको भी खत्म करके जो कमीशन को भी खत्म करके यहाँ पे हमारे एक सेंट्रलाइज रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें फंडिंग भी पूरे तरीके से एक अलग सेक्शन होगा जिसमें भी वो एक एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारे देश में एजुकेशनल ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट खत्म करके लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को आगे रखते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज ये दोनों सरकार के खर्चा से नहीं चलेगा, मतलब सरकार को पब्लिक यूनिवर्सिटीज के तरफ पे जो फंडिंग हो रहा था वो काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज कैसे चल पाएगा? तो हम देख सकते हैं जेएनयू, जामिया, बीयू और जितने तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इतने सारे यूनिवर्सिटीज में यहाँ फंडिंग इतना कम हो गया है कि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दे पा रहे। ये एक जमीनी हकीकत है, इसको हम समझते हुए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एनईपी लागू करने के वजह से ये लोग अपने मतलब हिंदुत्व विचारधारा को जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को ये लोग पूरे देश में फैला रहे हैं। कर्नाटका में देख सकते हैं बसवन्ना को अपने सिलेबस से हटा के, बसवन्ना एक प्रगतिशील हमारे देश के इतिहास का विरासत का एक हिस्सा है, उसको भी उस किताब से टेक्स्ट बुक से खत्म करके भगत सिंह को टेक्स्ट बुक से निकाल के सावरकर गोलवलकर और एकटेवार को अपने टेक्स्ट बुक में पेश कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे शिक्षा को पूरे तरह से भगवाग्रहण करके यहाँ पे जितने संविधानिक मूल्य है जितने बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो कुछ संविधान में लिखा गया है जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो लागू करके जो बोला है वो पूरा मतलब छात्रों का मुद्दा को पूरा किया, ऐसा नहीं है। मतलब आजादी के टाइम के हम देख सकते हैं कि जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करके यहाँ लागू किया है, लेकिन आज के स्थिति में हमें इसका फर्क समझना पड़ेगा कि जो पुराने जो कांग्रेस के टाइम पे हो या किसी और सरकार के टाइम पे हो और अभी के टाइम पे जो फैसिस्ट एजुकेशन पॉलिसी जिसको जो लागू कर रहे हैं इसके बीच में जो क्वालिटेटिव डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस जो ये सब कर रहा है और उससे अपने ब्राह्मणिकल विचारधारा को टेक्स्ट बुक से लागू करके एससी एसटी ओबीसी दलित आदिवासी शोषित समाज के जितने लोग हैं और मजदूर किसान के बच्चे हैं उनको भी हमारे शिक्षा के व्यवस्था से दूर करके एक सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी और प्रो कॉर्पोरेट एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे लागू कर रहा है जिससे हमारे देश के साम्राज्यवादी शोषण और उसके साथ जो हमारे देश में जितने सालों से 2000 सालों से जो चलते हुए जो व्यवस्था जो आ रहा है इसको भी मजबूत कर रहे हैं और उसी के साथ देश में यहाँ पे शिक्षा का अधिकार एक अमीर ब्राह्मण का मोनोपोली रहेगा ये जो मनुस्मृति का जो कॉन्सेप्ट है इसको वापस लेके आ रहे हैं। इसीलिए तो आरएसएस बोलता है कि 80% जो एजुकेशन पॉलिसी उस मतलब उसके आरएसएस के जो विचार के आधार पर है। तो इसीलिए जो कॉर्पोरेट जो नेक्सस है कॉर्पोरेट और जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस के बीच में जो नेक्सस है ये राजनीतिक तौर पे जैसे शिक्षा में काम कर रहे हैं इसको हमें समझना पड़ेगा और उसके खिलाफ एकजुट होकर हमें बात करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एनईपी दिल्ली का विषय है, एफआईयूपी से लेके जितने कुछ पॉलिसीज है वोकेशनलाइजेशन हो या जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी है इसमें लिंग्विस्टिक पॉलिसी का भी एक सवाल आता है जो हमारे देश में मतलब जितने जो लैंग्वेजेस है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलता है ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो भी बोलता है जैसे तमिल, उड़िया, उर्दू, मतलब मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु ये सब लैंग्वेज को कुल मिला के जितने खर्चा करता है उसके 22 गुना संस्कृत के लिए खर्चा कर रहे हैं हमारे सरकार और बजट में भी काफी मतलब कमी किया है सरकारी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए और सरकारी और प्राइवेट सरकारी और निजी शिक्षा को दोनों को साथ मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में जितने इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं ये सरकार कर रहे हैं और डिजिटल यूनिवर्सिटीज भी यहाँ लागू कर रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटीज में कहाँ गरीब को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा ये सरकार जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ जो फ्री एजुकेशन की बात करते हैं फ्री एजुकेशन के जगह पे ये लोग सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को ला रहे हैं और उससे जो फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को भी ये लोग पूरे खत्म किया है।
तो इसीलिए हमें इसके खिलाफ एक बड़े पैमाने में ब्रॉड यूनिटी बना के हमको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिसमें हम छात्रों के पहल से और हमारे टीचर्स के पहल से और जितने जो एफआरटी के साथ जो काम करते हैं, जितने तमाम साथी लोग हैं, सब लोग एक साथ मिल करके इसके खिलाफ हम एक आंदोलन खड़ा करना है। ये बोल करके मेरा बात मैं समाप्त करता हूँ। सबको इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड। कॉमरेड पीजी जेम्स सीपीआईएमएल लेडी स्टार से जनरल।